बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। अब एक तो बाप दादा के सामने एक माता रो रही थी, एक बहन रो रही थी, तो बाबा ने कहा बच्ची रो ले रो ले, अभी रोना फिर भी अच्छा है, धर्मराजपुरी में जब डंडा मिलेगा ना सजा मिलेगी तब जो तू रोएगा उसके बदले में अभी रो ले और अभी रियलाइज कर कि इस प्रकार से गलतियां अभी नहीं करनी चाहिए। धर्मराजपुरी के अंदर जब सजाएं मिलेंगी तब मालूम पड़ेगा कि हमने झूठ आदि के प्रयोग के आधार पर जो भी विकर्म किए हैं उसकी क्या सजा होती है। हमारे ही दैवी परिवार के अंदर एक भाई का शरीर छूटने वाला था, तो उसने पहले से ही बाबा को कई बार कहा हुआ था कि बाबा मुझे धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। तो वो भाई जो है ना तीन दिन अनकॉन्शियस रहे थे, कोमा में रहे थे, और उसके बाद उनका शरीर छूटा। 62 की बात है, तो जब 62 की बात है जब तीन दिन के बाद शरीर छूटा और अव्यक्त बाद में शरीर छूट के बाद में क्या हुआ, बाबा ने उसकी आत्मा को संदेशी के तन में भेजा था। तो हमने उनसे पूछा था कि आप ये तीन दिन जो है कोमा में रहे उसमें क्या आपका अनुभव रहा, तो उसने यही कहा कि मैंने बाबा से रिक्वेस्ट किया था कि बाबा मुझे धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, इसी तन में जितने भी सजाएँ भोगनी है उससे उसको भोगने के लिए मैं तैयार हूँ, परंतु तो मुझे आगे ये पाप का हिसाब किताब आगे बढ़ाना नहीं है, धर्मराजपुरी में आपके पास नहीं आना है। तो इसके कारण बाबा ने वो तीन दिन कोमा में रहे उस तीन दिन में पिछले जन्मों के किए हुए पाप कर्मों की सजा यहाँ ही उसको अनुभव कराई, और इसलिए उसने कहा कि मैं वो तीन दिन के अंदर जो है मैंने पिछले जन्मों के विकर्मों की सजा यहाँ ही भोग लिया, इसके कारण धर्मराजपुरी में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक भाई को मुझे मैंने पूछा कि आपको धर्मराजपुरी में जाना है या नहीं जाना है, वो भाई ने कहा मुझे तो धर्मराजपुरी में जाना ही है। मैंने कहा ये तो भाई कमाल की बात है, आप सब में कोई ऐसा है जिनको धर्मराजपुरी में जाने की इच्छा हो, कोई है यहाँ धर्मराजपुरी में जाने की? वो भाई ने कहा मुझे जाना है। मैंने कहा क्यों? कहा वो भी एक दुनिया है ना, वो दुनिया को देखना है, देखिए कैसी खोपड़ी होती है, जो संस्कृत में कहते टुंडे टुंडे मतिर भिन्ना, कहा वो भी एक दुनिया है तो मुझे वो दुनिया देखनी है, इसलिए मुझे धर्मराजपुरी में जाना है। और दूसरा क्या, ब्रह्मा बाबा को ऐसे तो मैंने देखा नहीं है, तो वहाँ पर भी धर्मराज के साथ में बैठे हुए होंगे ना, उनके राइट हैंड में बाबा मम्मा और सब हमारे दादियाँ आदि बैठी हुई होंगी, उन सब का मुझे दर्शन हो जाएगा। मैंने कहा भाई साहब ये तो आपकी उल्टी मति है, उनके दर्शन के लिए धर्मराजपुरी में क्यों जाए, सतयुग की आदि में आ जाओ। हाँ सतयुग में आदि में आएंगे तो सबका दर्शन हो जाएगा, हाँ उनके दर्शन के लिए धर्मराजपुरी में जाने की क्या इच्छा है? और सतयुग देखो ना, हाँ धर्मराजपुरी को देखने से क्या फ़ायदा? हाँ सतयुग का स्वर्ग देखना अच्छा या धर्मराजपुरी में देखना अच्छा, आप ही बताओ। परंतु वो भाई कहे कि नहीं मुझे तो धर्मराजपुरी में जाना ही है। मालूम नहीं अपने दैवी परिवार में अनेक प्रकार के रत्न बैठे हुए हैं, तो ऐसे भी रत्न है कि जिसने हमको कहा कि मैं तो धर्मराजपुरी में जाना चाहता हूँ। सोचिए इस प्रकार से, आपको धर्मराजपुरी में जाना है या नंबर वन पुरुषार्थी बन करके सतयुग के आदि रत्नों में बनना है, सोचना। और इसलिए अंत में मैं यही कहूँगा कि जो कल बाबा ने जो कहा ना,
हाँ, उसके आप पर उसके आधार पर पुरुषार्थ में तीव्रता लाएंगे तो नंबर वन पुरुषार्थी अवश्य ही बनेंगे, और नंबर वन पुरुषार्थी क्या फल रूप सत्यु के आदि रत्नों में आ ही जाएंगे। आप सब हम सब हाँ सत्यु के आदि रत्नों में आए, यही शुभेच्छा नए वर्ष के लिए आप सबको। ओम शांति। निराली शान है दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त तर तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।